हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटीज चैनल। तो आज आपको मैं बताऊंगा सीएनसी टर्निंग पे रनआउट कैसे सेट देखा है, तो जाकर देख लीजिए। उस पे आपको बीएमसी से होल डायलिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये स्पिंडल है, इसको साफ़ करना होता है। और ये जो होता है स्पिंडल, ये एंगल में होता है, ये एंगल में होता है। ये फ्लेंज प्लेट है, तो फ्लेंज प्लेट को स्पिंडल पे माउंट किया जाता है। देखिए साफ़ कर लिया जाता है चिप्स वगैरह में। देखिए स्पिंडल का रनआउट सेट किया जाता है, चेक किया जाता है कितना आ रहा है। देखिए स्पिंडल का रनआउट अभी 1 से 2, देखिए 10 माइक्रोन डायल है, तो 10 माइक्रोन से कम होना चाहिए, यानी 2-3 माइक्रोन होना चाहिए, तभी जाके सही से बनेगा, वेरिएशन कम आएंगे। देखिए ये फ्लेंच प्लेट लगा दिए गए, और इसके बाद इसको बोल्ट टाइट किया जाएगा। 6 बोल्ट इसमें लगेंगे, उसके बाद फ्लेंज प्लेट के रनआउट सेट किया जाएगा। तो देखते रहिए, ये इसे टाइट कर रहे हैं। और ये हमारा कनेक्टर है, ये कनेक्टर है जो कि ड्रॉवर से कनेक्ट है, ये लाइन की से टाइट कर रहे हैं, बराबर टाइट किया जाता है। और जो हमारा एंगल में जो स्पिंडल, हर एक स्पिंडल में एंगल होता है, ठीक है, तो हर एक जो स्पिंडल में एंगल होता है, तो उसी एंगल पर अगर फ्लेंज प्लेट लगा दी है, अगर स्पिंडल में रनआउट नहीं है, तो हमारा फ्लेंज प्लेट पे भी रनआउट नहीं आता है। अगर एंगल स्पिंडल में रनआउट है, तो हमारा फ्लेंज प्लेट के ऊपर रनआउट आ जाएगा, ठीक है। और एक तो ऊपर से करते हैं ओडी के रनआउट चेक करते हैं, और दूसरा फेस का भी चेक कीजिए। देखिए ये ओडी का रनआउट सेट कर रहे हैं, तो देखिए करीबन 0, मान के चलिए 0 पे चल रहा है, ठीक है, 0 पे चला है। देखिए फेस पे भी रनआउट चेक किया जाता है, फेस पे अगर रनआउट नहीं चेक होगा तो फ्लैटनेस स्टेपर बनते रहता है मुश्किल से। देखिए ये हमारा कनेक्टर है जो कि ड्रॉबार से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना आगे निकल रहा है और अंदर जा रहा है, ये चेक करना होता है, नहीं तो क्लैंप और डी क्लैंप में इशू होता है। देखिए ये की है, की के सहायता से टाइट किया जा रहा है कनेक्टर में चक को। देखिए कस दिया गया है, सेंटर सेंटर बोल्ट होगा, यहाँ सेंटर बोल्ट से कनेक्टर को टाइट कर दिया गया। अब एलएन बोल्ट लगा के इसको टाइट किया जा रहा है चक को, ठीक है। अब इसका रनआउट सेट करेंगे, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो इसमें हम ठोक को ठोक देते हैं थोड़ा एल्युमिनियम के गुला वाला से, तो सेट हो जाता है, ठीक है। देखिए ये टाइट कर रहे हैं, टाइट करने के बाद फिर उसे सेंटर को थोड़ा और टाइट कर लेंगे, जिसे क्लैंप डी क्लैंप करने में सही हो। ये टाइट कर रहे हैं, ये 6 बोल्ट टाइट करने में, ठीक है। तो अब हमारा ये टाइट हो चुका है, देखिए क्लैंप डी क्लैंप हो रहा है। ये सिम लगा के देख लेंगे, ये 0.1 के आसपास की, तो टच तो नहीं कर रहा है जॉज में, हमारा नहीं कर रहा है। ये हमारा रेस्टिंग है जो कि रेस्टिंग माउंट किया जा रहा है, ठीक है, ये रेस्टिंग इसे माउंट किया जा रहा है। इसके ऊपर यहाँ जॉज लगा दिया जाएगा, जॉज लगा के फिर उसे काटा जाए, देखिए इस रनआउट सेट किया जा रहा है, ठीक है। रनआउट 0-0 है, उसे कोई इशू नहीं है। तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा पीछे ले चल रहा हूँ। जो ये फ्लेंज प्लेट होता है, ठीक है, अगर हमारा ये आईडी है, अगर चक हमारा आईडी में ओरिएंट हो रहा है, अगर चक हमारा आईडी में ओरिएंट हो रहा है, चक के बैक साइड में आईडी ओडी होता है जो कि इस पे आकर ओरिएंट होता है, तो अगर फ्लेंज प्लेट का रनआउट 0 है, तो चक का रनआउट कैसे सेट करेंगे। जैसे देखते हैं कि जो लेथ का चक होता है, 3 जॉब 4 जॉब, उसमें क्या होते हैं कि यहाँ की के लिए नट लगे रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 3
थ्री जाम होता है, फोर जाम में चार होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे टाइट कम बेस करके उसका रनआउट सेट कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार अगर हमारा चक फ्लेंज प्लेट में आईडी में लोकेट हो रहा है, तो उसके लिए भी फ्लेंज प्लेट में तीन जगह पे या चार जगह पे होल होते हैं, जिस तरह लेथ में होते हैं उसी तरह होल होते हैं चार जगह पे, और उसमें गर्व स्क्रू कसा रहता है, जिसके सहायता से वो भी उसे ओरिएंट कर देता है एकदम, ठीक है, सेंटर में कर देगा। तो उसके सहायता से हम रनआउट सेट कर देते हैं, ठीक है। तो आज का यही मेरा वीडियो है, तो होप आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।